है ना। आइए दोस्तों, 7 अगस्त 1905 पहली डेट है, 7 अगस्त 1905। और नोट करना दोस्तों, अगर देखिए तुम्हें आती है तो साथ में दोस्तों आपको नोट करना है, क्या साथ में आपको बताना है मुझे अगर तुम्हें आता है तो, है ना। 7 अगस्त 1905 जो बंगाल विभाजन था, इस विभाजन के विरोध में, क्या इस विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। क्या? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था स्वदेशी आंदोलन के अंदर दोस्तों, 7 अगस्त 1905 को। और इसी विदेशी वस्तु का बहिष्कार कब स्टार्ट हुआ? 7 अगस्त 1905 को। और नोट करना दोस्तों, कहां से स्टार्ट हुआ? टाउन हॉल कोलकाता। कहां से स्टार्ट हुआ? टाउन हॉल कोलकाता। और उस समय वायसराय कौन थे? करजन भाई साहब दोस्तों, उस समय वायसराय। तो 7 अगस्त 1905 इंपोर्टेंट डेट है, इसीलिए 7 अगस्त को कौन सा दिवस बनाते हैं दोस्तों? 7 अगस्त को नोट करना, यह बनाते दोस्तों हैंडीक्राफ्ट या हथकरघा दिवस। कौन सा? हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है, 9 जनवरी 1915 इसी दिन दोस्तों महात्मा गांधी जी कहां से? दोस्तों साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी जी दोस्तों कहां आए थे? इंडिया आए थे। कौन? महात्मा गांधी जी। तो 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आते। अगर आपसे पूछूं दोस्तों ये 9 जनवरी क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसी दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाते हैं दोस्तों? प्रवासी भारतीय दिवस है। और सन 2021 दोस्तों अगर आपसे पूछ लो, इस सन 2021 में अब की बार मुख्य अतिथि कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोगी। कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोगी दोस्तों इसके मुख्य अतिथि थे। अगला क्वेश्चन, 13 अप्रैल 1919 ये दोस्तों याद होगा आपको, अमृतसर जलियांवाला बाग। क्या? अमृतसर के अंदर जलियांवाला बाग दोस्तों, कहां पर? अमृतसर में, पंजाब में जलियांवाला बाग स्थान था। समय था बैसाखी। किसका समय था दोस्तों? बैसाखी। और हुआ क्या था? जो जनरल डायर था उसने दोस्तों निहत्ते लोगों पर गोली चलवा दी। और यही दोस्तों कौन सा? जलियांवाला बाग नरसंहार। क्या? जलियांवाला बाग नरसंहार दोस्तों। और इसी डायर के खिलाफ दोस्तों क्या हुआ था? इसी डायर के खिलाफ, ध्यान रखना, इसी डायर के खिलाफ दोस्तों एक आयोग बना, हंटर आयोग। क्या बना? हंटर आयोग बना, जिसने दोस्तों डायर को क्या बोल दिया कि ये बिल्कुल दोस्तों बेकसूर है, इसने बहुत बहादुरी वाला काम किया। फिर उद्यम सिंह दोस्तों इंग्लैंड में ठोक कर आए। कौन? जो हमारे शहीद उद्यम सिंह है, ये दोस्तों इसे इंग्लैंड में ही ठोक कर आए थे। और दोस्तों इसी जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने दोस्तों नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। क्या? जो नाइटहुड की उपाधि थी वो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी। अगला क्वेश्चन है, 5 फरवरी 1922 अगर आपसे पूछूं दोस्तों, 1920 में एक आंदोलन स्टार्ट हुआ था, असहयोग आंदोलन। कौन सा था? असहयोग आंदोलन। इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने दोस्तों केसरे हिंद की उपाधि त्यागी। क्या? केसरे हिंद इसकी जो उपाधि थी, इसे कब त्यागा गया? तो नोट करना दोस्तों, असहयोग आंदोलन में केसरे हिंद की उपाधि किसने त्यागी दोस्तों? तो ध्यान रखना, महात्मा गांधी ने त्याग दी। अगर आपसे पूछो, इसी आंदोलन में दोस्तों 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के दोस्तों, गोरखपुर के अंदर
अंदर एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी गई दोस्तों। इसे कहते हैं चोरी चोरा घटना। कौन सी? चोरी चोरा घटना कहते हैं। कब हुई थी? 1922 में हुई थी। और इसी घटना के बाद में दोस्तों नोट कर लेना, महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया। और यह सीधा क्वेश्चन MPPSC में पूछा गया कि किस आंदोलन को 100 वर्ष पूरे हो गए, क्या किस आंदोलन को, किस घटना को शताब्दी वर्ष समारोह बनाया गया। MPPSC का सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया कि किस घटना का शताब्दी वर्ष बनाया गया। चोरी चोरा घटना 1922 में हुई थी, सन 2021 में 100 वर्ष दोस्तों पूरे हो गए। इसके बाद में क्या आया? 9 अगस्त 1925। भाई साहब घटना है काकोरी। कहां की घटना है? काकोरी की घटना है दोस्तों, जो कि लखनऊ के पास में स्थित है। कहां? लखनऊ उत्तर प्रदेश के पास में स्थित है काकोरी। यहां पर दोस्तों ट्रेन को लूटा गया। क्या? ट्रेन को लूटा गया दोस्तों, काकोरी ट्रेन डकैती। करने वाले कौन थे? करने वालों में दोस्तों नाम लिखना, एक तो थे कौन? राजेंद्र लाहिड़ी, एक थे राम प्रसाद बिस्मिल, एक दोस्तों चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान। चारों के नाम लिख रहा हूं। राजेंद्र लाहिड़ी, कौन? राजेंद्र लाहिड़ी दोस्तों, अशफाक उल्ला खान। क्या? अशफाक उल्ला खान दोस्तों। तीसरा नाम क्या है? तीसरा नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। क्या? राम प्रसाद बिस्मिल। और चौथा नाम लिखना, चंद्रशेखर आजाद। कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। कौन पकड़ में नहीं आए? चंद्रशेखर आजाद दोस्तों ये पकड़ में नहीं आए, अशफाक उल्ला खान। लिख लेना भाई साहब, इनके नाम पर ही दोस्तों जूलॉजिकल पार्क स्थापित किया गया गोरखपुर के अंदर। कहां? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जूलॉजिकल पार्क स्थापित है। तो कौन पकड़ में नहीं आए? चंद्रशेखर आजाद दोस्तों ये पकड़ में नहीं आए। 9 अगस्त 1925 है। अगली घटना है 12 मार्च 1930 है। क्या हुआ दोस्तों 12 मार्च 1930 को? साबरमती आश्रम। कहां से? साबरमती आश्रम से दोस्तों, नमक कर का विरोध करने के लिए, क्या नमक कर का विरोध करने के लिए एक यात्रा स्टार्ट होती है, उसका नाम है दांडी यात्रा। किसने की थी दोस्तों? महात्मा गांधी जी ने की थी। तो दांडी यात्रा कब स्टार्ट हुई? 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई। और नोट कर लेना दोस्तों, कब तक चली थी? 6 अप्रैल 1930 तक चलती है दांडी यात्रा। और दोस्तों इसी यात्रा के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया। क्या? इसी यात्रा के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है दोस्तों इसे स्टार्ट किया। तो अगर आपसे पूछे सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों, कब स्टार्ट हुआ? 1930 में दोस्तों स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन, 5 मार्च 1931 इस दिन दोस्तों एक समझौता होता है, उसका नाम था गांधी इरविन समझौता। क्या? गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को होता है। कौन सा है दोस्तों? गांधी इरविन समझौता। और भाई साहब इसी समझौते के कारण दोस्तों कांग्रेस या महात्मा गांधी जी तैयार हो गए सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। क्या? दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें कांग्रेस भाग लेगा, इसी समझौते से दोस्तों तय हुआ। 23 मार्च 1931 इस दिन दोस्तों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, क्या भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव दोस्तों इन्हें क्या हुआ? इन्हें दोस्तों ध्यान रखना, इन्हें फांसी दी गई दोस्तों। शहीद हो गए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। कब हुए? 23 मार्च 1931 को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसके बाद में जो कराची अधिवेशन हुआ था दोस्तों, जो जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, ध्यान रखना उस कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 24 सितंबर 1932 है। लिखना दोस्तों यरवदा जेल। कौन सी जेल है? यरवदा जेल है।
पुणे के अंदर स्थित है दोस्तों, और इसी जेल में महात्मा गांधी जी और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, इनके बीच में एक समझौता होता है जिसे क्या कहते हैं, पूना पैक्ट कहा जाता है। तो क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट। तो पूना पैक्ट दोस्तों कब हुआ था, 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ। नोट करना दोस्तों किस किस के बीच में हुआ, महात्मा गांधी और दोस्तों डॉक्टर अंबेडकर जी के बीच में हुआ, और यरवदा जेल पुणे में हुआ। इसीलिए यरवदा जेल जो है दोस्तों, जेल भ्रमण क्या, जेल पर्यटन दोस्तों, जेल पर्यटन योजना जो है ये कहां से स्टार्ट की गई है, तो ये की गई दोस्तों यरवदा जेल पुणे से स्टार्ट की गई। अगला क्वेश्चन देखना, 8-9 अगस्त 1942 है। अगर आपसे पूछे क्या, अगर आपसे पूछे, हाँ एक बच्चा कह रहा सर आपकी राइटिंग बहुत खराब है। अरे मेरी राइटिंग तो बहुत बढ़िया है, सुन मेरी बात है ना, राइटिंग तो बहुत बढ़िया है, पर मैं यहाँ अपनी राइटिंग ठीक करने नहीं आया, मैं तुम्हें सिलेक्शन दिलाने आया हूँ ना। ये दोस्तों अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आराम आराम से क्या, मैं तुम्हें आराम आराम से इस प्रकार लिख लिख के पढ़ाऊंगा। होगा क्या, अंत में दोस्तों तालियां बजाओगे, लड्डू खाओगे और अपने अपने घर चले जाओगे। सिलेक्शन दोस्तों नहीं होगा अगर ऐसे पढ़ाने बैठ गया, 5-5 दोस्तों क्वेश्चन करा पाऊंगा। इसलिए कह रहा हूं आपसे, जैसा पढ़ा रहा हूं ना चुपचाप पढ़ते जाओ क्या, ना किंतु ना परंतु, केवल दोस्तों पढ़ाई करो। जिस दिन पेपर हो और जिस दिन पेपर में सवाल छपे और तुम उनकी खोपड़ी में छेद कर दो, उसके बाद दोस्तों तुम मेरे सामने नागिन डांस करना मैं आपसे नहीं कहूंगा, उससे पहले चुपचाप तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तो 8-9 अगस्त 1942 दोस्तों ये है कौन सा, ये लिखना भारत छोड़ो आंदोलन क्या, भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों ये ध्यान रखना, ऑपरेशन जीरो आवर क्या, ऑपरेशन जीरो आवर दोस्तों ये रात को 12 बजे स्टार्ट हुआ। जितने भी प्रमुख दोस्तों आंदोलन करने वाले थे उन्हें जेल के अंदर डाल दिया। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 अगस्त क्रांति किस नाम से जानते हैं, अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और 1942 में ही क्रिप्स मिशन दोस्तों आया था। अगला क्वेश्चन, 24 मार्च 1946 है, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और उसके जस्ट बाद दोस्तों क्या हुआ, कैबिनेट जो मिशन है, ये कैबिनेट मिशन दोस्तों भारत आया, क्या आया, भारत आया। और ये क्यों आया भारत है? तो भारत में दोस्तों ध्यान रखना संवैधानिक सभा क्या, भारत में संवैधानिक सभा इसके निर्माण का, इसके गठन की जिम्मेदारी कैबिनेट मिशन को दी गई। तो 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन दोस्तों भारत आ गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की दोस्तों, संविधान सभा की बैठक होती है, और इसी बैठक के अंदर क्या हुआ, इसी बैठक में जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश करते हैं। कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू, और यही उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों किसमें चेंज हो जाता है, उद्देशिका के अंदर, जिसे तुम क्या कहते हो, प्रस्तावना कहते हो। तो अगर पूछे प्रस्तावना का जो प्रस्ताव था वो कब आया, 13 दिसंबर 1946 को आया था। अगला क्वेश्चन है, 3 जून 1947, 3 जून की घोषणा, सीधा पेपर में पूछा गया 3 जून की घोषणा, माउंटबेटन घोषणा क्या दोस्तों, लिखना 3 जून की घोषणा, माउंटबेटन घोषणा दोस्तों ये कब की घोषणा है, 3 जून की घोषणा। इसी घोषणा में कहा गया कि भारत को अब आजाद कर देना चाहिए, कब की है दोस्तों, 3 जून 1947। माउंटबेटन दोस्तों ये हमारे वायसराय थे, क्या थे, हमारे वायसराय, और दोस्तों गवर्नर जनरल कौन थे, ये थे नोट करना माउंटबेटन। इसके बाद दोस्तों 18 जुलाई 1947 को, इसी दिन दोस्तों नोट करना, अधिनियम आता है
स्वतंत्रता अधिनियम। नोट करना दोस्तों, अगर पूछे आपसे जो इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता जो अधिनियम है ये कब आया, 18 जुलाई 1947 को आया, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया जाएगा। 15 अगस्त मत लगाना, अधिनियम कब आया दोस्तों, अधिनियम आया है 18 जुलाई 1947। 26 नवंबर 1949 संविधान दोस्तों बनकर तैयार हो गया। क्या संविधान तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन दोस्तों इसे बनने में लगे, और प्रस्तावना के अंदर भी इसी तिथि का उल्लेख है। इसीलिए संविधान दिवस कब मनाया जाता है, संविधान दिवस मनाते दोस्तों 26 नवंबर। कब मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं। ये दोस्तों